रूम था, ठीक है। इस रूम में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस को बनाना थे, ठीक है। तो यदि आप वो जो लाइक मैं क्यूब की तरह मान लूं कि आपने यहाँ पे अरेंज किया, ठीक है, पिच किया, एक क्यूब अरेंज किया, और इसने क्या कर दिया, फील कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, भर दिया, क्लियर है। आप उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्पेस। लेट वो रूम आपका क्या कहलाएगा, स्पेस। और वो जो छोटे छोटे ब्लॉक आप यूज कर उनको फील करने के लिए, उसको हम क्या, सेल। ये बात समझ में आ गई, कंसेप्ट पर। अब यदि मैं समझूं तो यहाँ पर यदि मैं क्रिस्टल सिस्टम में बात करता हूँ, इट वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल स्पेस को ऑक्यूपाई करके वो क्या करते हैं, फील कर देते हैं, ठीक है। तो की बात करें तो यूनिट सेल में क्या हमने उसके बोले थे कि ये हमारे ए सी डायरेक्शन में क्या है उसके डिफाइन डेफ, ठीक है। और हम कि यदि ये इस एरिया अपन, ठीक है, तो ये एंगल मेरा क्या है, एंगल मेरा बीटा है और ये एंगल मेरा गामा है। मैंने इसको क्या बोल रहा हूँ कि ये एक्स मेरा वाई है और ये मेरा जेड है। यदि मैं इसको क्या बोला, मैंने वाई बोला, इसको मैंने क्या बोला एक्स, ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल वाई जो एंगल बन रहा है उस एंगल को अल्फा बोल रहा हूँ, एक्स और जेड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बीटा, एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको, ठीक है। तो हम ये इस तरह से कर रहे हैं बेटा, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि आपके परिवार की यदि मैं बात करूं तो आपका है, ठीक है, तो वो पूरा आपका एक लैटिस और आप उसके एक मेंबर हो, दैट इज मतलब जैसे हम लेट्स से एक एग्जांपल लिया कि भाई सिंदे फैमिली एक स्पेस लैटिस हो गया और उत्कर्ष सिंधे उस स्पेस लेटेस्ट मेंबर है जो पूरी फैमिली को डिफाइन कर रहा है, जैसे सारे लोग हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा कि और स्पेस लेटेस्ट क्या होता है, ठीक है। वी कम्स टू द ब्रेविस लेटेस्ट। ब्रेविस ने तरह से आइडेंटिफाई, जो मैंने पहले बोला ऊपर उसको डिफाइंड करके बोला, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स कौन, बी सी जो हमने उसके लेंथ पैरामीटर, किस पैरामीटर हम उसको बोलते हैं, जो उसकी बात कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लेटर, ठीक है। तो लेट से कि बी सी तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल, हाँ या नहीं, ठीक है। तो कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैटिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंगल्स के बेसिस पे उसने क्रिस्टल सिस्टम्स को डिफाइन किया था विद द सेंटरिंग, मतलब ये सेवन तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, लेकिन मैं एफसीसी मतलब करूं या बॉडी सेंट्रिक भी बात करता हूं तो 7 × 2, क्योंकि सात तो ये थे और सात में और हो जाएंगे, मतलब फेस बेस के भी दो, सेंटर बेस के भी दो हो जाएंगे, तो 7 × 2 = 14। तो देयर आर काइंड्स ऑफ 3D लैटिस, ब्रेविस लैटिस, ठीक है, समझा था कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी गो क्यूबिक यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट्स की जो मेरा लैटिस पैरामीटर बी एंड सी वो क्या है, तीनों, ठीक है। इसी तरह से मैं यदि करता हूं तो अल्फा बीटा एंड गामा डिग्री, तो दैट क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक सिस्टम। इन अ क्यूबिक सिस्टम इज सिंपल क्यूबिक, सेकंड सिस्टम इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड थर्ड सिस्टम इज सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। अभी होगा यदि आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री है तो नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ओके, ठीक है। तो देखो ये एक से क्यूब हो गया, ठीक है, इस क्यूब कॉर्नर पर ये जो है ये मेरे क्या है, ठीक है, क्लियर है। अब सेंटर में या फेस पे कोई एटम नहीं पड़ रहा था, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। देयर इज एन एटम इन, तो मैं इसके क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो एक कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर पर, तो क्यूबिक सिस्टम को क्या बोलता हूँ, बॉड क्यूबिक सिस्टम, क्लियर है। कम्स टू द फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में हम कि एक एटम जो एट कौन बोल रहा है आएगी बेटा, ठीक है, ना आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। क्या है, मैं अभी हेडफोन यूज कर रहा हूँ इस वजह से हो रहा हूँ, ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। सेंटर में क्या समझा हमने कि ये जो है मेरे ये क्या एटम्स हैं, ठीक है, और यदि बात करता हूँ तो एक एटम इसके बिल्कुल सेंट्रली, हम इसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इफ द एटम्स इज लाइज ऑन वी कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूब, हैं पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गोनल क्रिस्टल सिस्टम इन द टेट्रागोनल जो है वो बी के इक्वल है, नॉट इक्वल टू सी। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व भी कि ये जो पैरामीटर है ये लेटेस्ट लेटेस्ट पैरामीटर के तो इक्वल है, मीटर इज नॉट इक्वल, क्योंकि इसका लेंथ एज कम लेंथ आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। क्या होते हैं टेट्रागोनल, द फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकंड वन इज बॉडी सेंटर, क्योंकि यहाँ पर एक एटम उठ के कहाँ आ गया, इसको सेंटर में आ गया, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सेंटर टेट्रागोनल। नाउ ऑर्थोरॉम्बिक, इन केस ऑफ द ऑर्थोरॉम्बिक द लेंथ ए डज नॉट, मतलब लेटिनो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, बट बीटा एंड गामा इज 90 डिग्री, मतलब जो ये है मेरा ए
इस b के इक्वल नहीं है और ये b के इक्वल नहीं है और b c के इक्वल नहीं, दूसरे के इक्वल नहीं है। क्लियर। तरह से इसमें चार होते हैं, सिंपल, बेस सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। नाउ वी कम्स टू द मोनोक्लिनिक। द मोनोक्लिनिक, तब मोनोक्लिनिक में क्या हो गया कि अल्फा और गामा जो है वो 90 मिल रहा है, ठीक, जो बीटा है वो 90 नहीं है, ठीक। यूजुअल जो ऑर्थोरोम्बिक था वही की वही हम इसको डिफाइन किया, क्या ए इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। क्लियर। टू मोनोक्लिनिक्स, फर्स्ट वन इज सेकंड, सेकंड वन इज बेस मोनोक्लिनिक। देखो यहां पर इसमें जो एक एटम्स के बेस में आ गया, ठीक है, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। Now we comes to the next, that is rhombohedral. तो rhombohedral की मैं यदि बात कर, equals to B, equals to C, and beta जो है वो equal है, लेकिन gamma जो है 90 degree की equal है, ठीक है? And hexagonal, तो hexagonal की यदि हम बात करें तो वो hexagonal shape का है, इसलिए हम इसको hexagonal crystal system बोलते हैं। But एक कहेंगे कि ये जो lattice parameter है, मतलब यही का यही क्या हो रहा है, तीन बार हो रहा है, ठीक है ना? तो ये इसकी मैं यदि बात करूं, ये वाला पैर, तो ये पैरामीटर एज यूजुअल मुझे यहाँ फेस पर, मतलब यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, मतलब उसको तीन बार आपने क्या कर दिया, तो वो क्या बन गया आपका हेक्सागोनल। इसमें भी ए जो है वो बी के इक्वल नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा 90 डिग्री बट गामा इज 120। वी कम्स टू द लास्ट, दैट इज ट्राइक्लिनिक। मैं बात करता हूँ तो यहाँ जो है does not equals to B, does not equals to C, I mean to say lattice parameters are not equal to E, and alpha, beta and gamma they are 90 degree, ठीक है? तो triclinic बड़ा ही simple, A does not equals to B, C and alpha and beta not equals to 90 degree. Now we comes to the example of the crystal. A, there are, मैंने जैसे बताया कि 14 crystal system हो, 14 में से कितने exist कर, जो हमारे daily life में या जो exist करते हैं वो उनमें केवल सम ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम है वो अनस्टेबल कंडीशन है। तो यहाँ पर आप इस चीज को, इसको समझ में आ रहा होगा कि देखो सबसे पहले आपने देख, क्लियर है, तो क्यूबिक भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, ठीक है? ये आपके क्या हो गए, क्यूबिक सिस्टम। टेट्रागोनल भी एग्जिस्ट करता है, इसी तरह से ऑन एग्जिस्ट करता है, हेक्सागोनल भी एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल भी, मोनोक्लिनिक भी, और टेकिन बाकी के जो सात सिस्टम जो बच जाते हैं वो सिस्टेबल होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर दिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट, मैंने कल पढ़ ही लिया था, अब यहाँ से स्टार्ट कर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? तो पॉइंट कोऑर्डिनेट समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर आपको एक लेटर जो हमने यूनिट सेल पहले इससे था वही लेटेस्ट पैरामीटर या वह दिख रहा है, ठीक है? अब भैया ये जो हम लेटेस्ट पैरामीटर या हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसी से रिलेट करूंगा, ठीक है? तो मिलर इंडाइज है, मैं यहीं पर आपको उस चीज को भी समझा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझ लेते हैं, अदरवाइज मैं साइंस पढ़ाते जाऊंगा नहीं रहेगा, ठीक है? तो पहले ये इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, ठीक है? इसके जो भी कॉर्नर्स हैं, ठीक, कॉर्नर्स हैं, इन सारे क्या बोलते हो कि ये एटम एग्जिस्ट, ठीक है ना? अभी अपन ने यूनिट सेल में यही समझा, ऊपर वाले पर सब जगह क्या है, एटम्स रखे हुए हैं। अब एक चीज समझो तुम कि इस पर्टिकुलर, यदि मैं इसको, ठीक है ना, मैंने इसको एक एग्जांपल लिया है कि मैं, आप इसको भी ओरिजिन मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी, कोई ओरिजिन मानो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? एटम के रेस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर कहाँ रखा है, किस पोजीशन से डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है? ये हमको क्या मेलर इंडाइसेस सबको समझना है, क्लियर है, ठीक है? का हम इस, एक तो क्या बता रहे हैं कि तक हुआ है, मतलब इसका मिलर का एक एटम के रेस्पेक्ट में दूसरे एटम का ये बताना है। दूसरी चीज सेक्शन स्पेसिफाई करना है कि इस पर्टी के रेस्पेक्ट में ये एटम रखा हुआ है। अब बोलोगे कि सर हाँ ये तो बता, इसी से हम इसका स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर से उसकी मैटीज क्या होती है, डिफाइंड होती है। फॉर दैट सेक ऑफ पर्पस, मतलब इस हम क्या करते हैं, इसको समझना हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? वी कम्स टू द नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि भैया ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, ठीक है? तो जैसे आप पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, क्या पढ़ा हुआ है आपने पॉइंट कोऑर्डिनेट में बेटा, से मैं बोलता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये यदि मेरा ओरिजिन है, तो ये यदि मैं क्या बोलता हूँ, यदि मेरा इस तरफ एक्स है, इधर प्लस वाई है, नीचे की तरफ माइनस वाई है, एक्स है, ठीक है ना? तो ये आप मान जाओ, लेट्स से कि मैंने एक यूनिट यदि इधर की तरफ एज्यूम किया, तो मैं कि मेरा इस यूनिट एटम का यहाँ कितना है, लेट्स से ए है, ठीक है? मैं इसके अपोजिट साइड इधर की तरफ यदि मैं करना चाहता हूँ या इसका पोजीशन बताना चाहता, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका यदि उधर की तरफ क्या होगा, माइनस है, और यदि इसका क्या हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस प्लस वाई, मतलब प्लस बी बोल दो। इस पोजीशन की बात करूँ, इस डायरेक्शन में, तो
माइनस बी, क्लियर है। एक्सिस की भी बात कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि यदि मैं कि ये इस डायरेक्शन तरफ मान लो मैंने उसको पॉजिटिव लिया है तो नीचे वो नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। थ्री पॉइंट कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर रेफरेंस, ठीक है, कि भाई वहां पर कैसे होता है, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर हम कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि फ्री एटम से किस तरह से कितनी पोजिशन में लाई कर रहा है, क्लियर है। पढ़ते हैं तो क्या बोलता है, तो पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ यूनिट सेल इज coordinate or distance from z-axis in terms of the a, b, c. तो हम उसको लैटिस वेक्टर बता रहे हैं, ठीक है। x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में b है, z डायरेक्शन में c है। चलिए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल को थोड़ी देर बाद लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, मतलब ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो कि भाई इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट में तो क्या होंगे, तो आप बोलोगे 1, 0, am I right? क्योंकि x कोऑर्डिनेट है और y नहीं है, तो आप क्या होगा। इसी तरह से यदि मैं पॉइंट को स्पेसिफाई करना चाहूं तो होंगे आपको ऑब्वियस है, पता है 0, 0, ठीक है। तरह से यदि मैं z की बात करूं तो हाँ जी बेटा बताएं, हाँ कुछ भी हो सकते हैं, पर हमको क्या करना है, लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई यूनिट सेल डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरा जो दूसरा एटम है उसका पोजीशन का डायरेक्शन क्या है, इसके करूंगा मेरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को और उससे मेरी प्रॉपर्टीज डिफाइंड होगी। ये हम तो मैं क्या बता रहा हूँ कि एटम से पोजीशन क्या है और एक एटम पर एटम का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो मिलर इंडाइसेस, ठीक है, ये बोल रहा है, वही बात समझ में। अच्छा तो इस जेड के क्या होंगे, 0, 0, 1 होंगे। अच्छा एग्जांपल लेता हूं कि भैया मैंने, ठीक है, तो इस पॉइंट की यदि मैं बात करें, इनमें लाई कर रहा है x और y में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, 1 और 0, ठीक है ना। और यदि यहाँ की भी आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ की भी आप निकाल, सोच कर देखिए क्या होंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो इसमें x भी रहे और z भी है, इट मींस इस 1, 1 एंड 1, क्लियर है। चलिए तो ये आपको कि हर एक पॉइंट को जो मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट्स हम सीख रहे हैं कि हमारा एक एटम का पोजीशन क्या है, ठीक है। करता हूँ जो इसने एग्जांपल देके रखा है, पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा है कि भाई ये एट के कहीं मिड में लाई करता है तो पोजीशन बताओ या इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट बताएं। कि लेट्स से मैंने एग्जांपल ले लिया, x डायरेक्शन में इसका जो डिस्टेंस y2, y डायरेक्शन में डिस्टेंस मेरा y3 और c डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस, ठीक है। मैं यदि a मान के चलता हूँ, यूनिट मान के चलता हूँ, तो यूनिट मान मेरा, तो x डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 2, y डायरेक्शन में कितना आ जाएगा y3 और z डायरेक्शन में कितने आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट, पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे मैंने इसके स्पेसिफिक, क्लियर है। चलिए तो अब इसी को मैं थोड़ा करता हूँ, मतलब एक नए लेवल पर लेके जाते हैं अपन इसको, मिलर इंडाइसेस, मतलब इसके प्लेन्स के रेस्पेक्ट में बात करें। एक प्लेन से दूसरे प्लेन से हम सोचते हैं, ठीक है, मतलब एक प्लेन मान के चल रहे हो तो इस प्लेन से ये रखा होगा, ठीक है, मतलब प्लेन की यदि आप उसका क्या बता रहे हो, अल्टीमेटली एटम्स के कोऑर्डिनेट या पोजीशन बता रहे हो। तो यहाँ पर दो मिलर इंडाइसेस की, एक है मेरा मिलर इंडाइसेस फॉर पोजीशन, मिलर इंडाइसेस बोले तो वो बोलेंगे, ठीक है, एंड मिलर इंडाइसेस होता है, ठीक है। तो मैं अभी मिलर इन बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेन ऑफ कि इसका जो भी प्लेन होगा क्रिस्टल का, इट्स रोटेशन कॉल्ड मिलर इंडाइसेस। आगे चल के हम एक्सआरडी एक ब्रीफ हुआ तो देखेंगे, तो एक्सआरडी एनालिसिस उसके कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है, क्या होता है 1, 1, 2 या 1, 1, 2, 1, इस तरह से आपको यदि आप एक्सआरडी छोगे तो वहां पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो मिलर इंडाइसेस। अब वो होते क्या है वो समझते हैं, ठीक है। मिलर इंडाइसेस मुझे क्या बोल रहा है कि मैं प्लेन्स इन अ क्रिस्टल जो है और उसके नोटेशंस को बता रहा है। टेलर इंडाइसेस ऑफ अ प्लेन इंडिकेटेड एल, मतलब मैं उसको एच एल से क्या करता हूँ, शो करता हूँ, ठीक, गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ बी एक्सिस, ठीक है। तो एक चीज मिलूंगा आपको कि जो भी मैं यहाँ के 2 या 1, 1, 2, 2, 1 या जो भी मैं भागा तो वो एक्चुअल में क्या है, इसके नोटेशन सिस्टम है, ठीक। मिलर नोटेशन सिस्टम, पहले आप इसको आप एक डेफिनेशन लिख लें, द मेस ऑफ अ क्रिस्टल प्लेन डिफाइंड एज द रेसिप्रोक ऑफ द फ्रैक्शनल इंटर, फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट का मतलब है हम उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल दैट द मैक्स विथ ट्रैफिक एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द 3 नॉन पैरेलल ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब ये मिलर इंडाइसेस हो सकता है, कुछ बच्चों को समझ आया, कुछ कोई बात नहीं आया,
अपन समझते हैं। तो मिलर इंडाइसेस एच के तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कि ये जो हमने तीन एक्सिस समझी थी, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ठीक है तो इसी से हम क्या बना रहे थे, पिटली यदि मैं देखूँ तो ये क्या बन जाते हैं, प्लेन बन, जो हमने प्रीवियस में देखा। तो प्लेन का दूसरे प्लेन के दूसरे प्लेन से किस तरह से रिलेट करता है, यदि मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ तो इस प्लेन किस तरह से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ प्रोसीजर है कि भाई ये प्रोसीजर क्या है फाइंड करने का कि क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो जो भी आपको दिया होगा, मतलब जो भी आपके पास यूनिट सेल गिवन होगा, उस प्लेन के पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरसेप्ट, ठीक है। मतलब वो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वो प्लेन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर, सेप्ट बोला मैंने, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ कहाँ पर वो एक्स एक्सिस को, कहाँ पर उस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये बात कर रहा है। तो मैं उसके इंटरसेप्ट निकाल लूँ, एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट वाई एक्सिस जेड एक्सिस के, ठीक है। इंडाइसेस पैरामीटर इज पैरेलल टू, ठीक है, मतलब वाई और जेड एक्सिस के अपन, चलो तो मैं वापस से यूनिट से, तो मैं बोल रहा हूँ कि y और z के पैरेलल कौन सा यूनिट से यूनिट। तो यदि मैं ये जो आपको हैच कर, ये वाला प्लेन जो है ये का y और z के, एम आई राइट, ठीक है, किसके पैरेलल है बेटा, y पैरेलल, ठीक है। तो x एक्सिस को केवल कट कर रहा है, कर रहा है क्या, नहीं, z एक्सिस को कट कर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरसेप्ट या इंटरसेक्टेंस है उसकी बात करें, तो इंटरसेक्ट x एक्सिस का तो 1 है, लेकिन y नहीं, मतलब वो कहां पर इसको इंटरसेक्ट, इनफाइनाइट, और z एक्सिस को भी एट इनफाइनाइट, क्लियर है, एज मिलर इंडाइसेस। तो अब इसके मिलर, तो उस केस में अगला स्टेप, तो पहला कि वो प्लेन एक्स वाई जेड को कहां पर कट कर रहा है, निकल जाएंगे उसके इंटरसेक्ट्स, उन इंटरसेक्ट्स का हम क्या कर लेंगे, रिसीव, तो वहां से मुझे ये मिलेगा h, वहां से, और वहां से मुझे मिलेगा l। तो देखो पहला मेरा क्या था, फिर इनफाइनाइट और फिर इनफाइनाइट, टोटल करो मतलब उल्टे करो, तो 1 अपॉन 1 है होगा ऑब्वियस 1, ठीक है, ऑन इनफाइनाइट इज 0, ऑन इनफाइनाइट इज अगेन 0, जो मिलर इंडाइसेस बनेगा तो क्या बनेगा, 1 0, समझ आया ये बात। तो मैंने इसके मिलर इंडाइसेस 1 0 0 आए, तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इंडाइसेस क्या आ गए, मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस 1 0 0। अच्छा चलिए लेट्स से फॉर एग्जांपल में, है ना, एक मैंने एग्जांपल लिया, प्लेन है, ठीक है, ये वाले प्लान है मिलर इंडाइस, तो आप इसके कैलकुलेट करके रखिए, मैं पूछूंगा आपसे तो आप इसके कैलकुलेशन, इसके मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, यदि आपने ये यूनिट तो उसको हैच करके रखिए कि भैया मुझे इसके मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस प्लेन बताने, लास्ट में बात करते हैं। तो मिल सम अदर प्लेन इन द क्यूबिक सिस्टम, आर नेक्स्ट स्लाइड, चलिए तो वही है, तो आपको बता ही दिया, हाँ या नहीं, कि भैया ये y x एक्सिस है, 1 पे y को कट, मतलब इनफाइनाइट पे कट कर रहा है, और कर रहा है इनफाइनाइट पे, फिर मैंने उस रेसिप्रोकल ले लिया, तो रेसिप्रोकल मतलब उस, ठीक है, यहाँ पर आगे स्टेप्स लिखी हुई हैं, रेसिप्रोकल ले लिए, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट, इस प्लेन का मिलर इंडाइस 1 0 0, समझ आया। देखते हैं इस वाले प्लेन का, तो इस वाले प्लेन, चलो तो देखो भैया किस किस को कट करो पहले, ठीक है, तो ये वाला प्लेन है, इस प्लेन को समझो, तो ये कट कर रहा है, हाँ कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, यूनिट सेल पे, मतलब डिस्टेंस पे, और ये भी इसकी यूनिट डिस्टेंस पे, तो इसके पहले हमने क्या देख बोला, निकालो इंटरसेक्ट निकालो, तो 1 x, हाँ 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जेड एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, क्या आ गया मेरा इनफाइनाइट, ठीक है, तीनों को उठाकर क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 इज 1 1 1 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, प्लेन का मिलर इंडाइसेस क्या आ गया, 0, ठीक है, ये प्लेन समय x एक्सिस को भी कट कर रहा है, y एक्सिस को भी कट कर रहा है, तो यदि मैं इसके इंटरसेक्ट देखूं, 1 1, इसको रेसिप क्या मिलेगा मुझे, 1 1 1, तो इस तरह से हम किसी भी प्लेन में मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं, वही जो हमने स्टेप्स करी उन्हीं को यहाँ पर लिखा, डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ऑफ द क्रिस्टल एक्सिस, तो क्रिस्टल एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो x एक्सिस पे कितना आ रहा है, जेड एक्सिस पे कितने आ रहा है, वो निकाल लो, टेक द रेसिप्रोकल ले लो। अब हो सकता है ये तो बिल्कुल यूनिट पे जाके कट कर अपने को फ्रैक्शन नहीं मिला, पर मिलता है तो उस केस में हमको फ्रैक्शन उसका क्या हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस द लोअर टर्म्स इन द ब्रैकेट, ठीक है, हम उसके लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करके उस कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आगे 3/4 1/2, ठीक है, तो देखो यहाँ वो क्या है, यदि मैं आप इसका, आपने इसका क्या निकाल लिया अल्टीमेटली एलसीएम, फिर उसको आपने मिनिमम में चेंज कर दिया, कुछ समझ लो, ठीक है,
और रख दिया। तो यहाँ पर जो मिनिमम वेस्टम ठीक है ना, तो यदि मैं इसकी बात में इसको देखूँ तो क्या आ जाएगा, 4। तो इसके इंटरसेप्ट क्या बनेंगे बेटा, 4/, मतलब इसके इंटरसेप्ट हैं, तो इंटरसेप्ट मतलब इसके उल्टे करने हैं, उल्टे करने हैं तो 4/3/4 का उल्टा 4/3, 1/2 का उल्टा क्या हो, और 4/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4। इसमें जो 2 ठीक है, अब तो इसके लोवेस्ट यूज करना है, तो कैसे करोगे रिड्यूस इसको आप, इसको तो आपको क्या करना है, ये जो 3 है, 3 से या तो बोल सकते हो कि आप ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, इसका 2, 3 और बता रहा हूँ, मतलब ये आपने क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो 2, 3 जा, इसको भी आपने 3 से इंटू कर दिया, और फिर आपने 3 से सबको 12 से पूरे को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या 12 से नहीं, ठीक 6 से, एक इंटरसेप्ट वाला तो बता रहा हूँ, यदि मेरे अपास आ गया, इसमें नहीं दिया एग्जाम्पल, चलो अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था ना स्टार्टिंग में निकालते हैं यूनिट सेल वाले, ठीक है। अच्छा चलो, तो देखो 1/2, 1/3, 2, अच्छा तो ये तो 2, 3, 2 ही आ जाएगा, तो है ना, ठीक है, एक सेकंड मैं लेता हूँ, लेट मी एग्जांपल, हम देखो, ठीक है चलो, एक सेकंड देखिए, मैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा, मैं क्लियर बोलूँगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं, कहीं ले लेता हूँ, ठीक है। तो उस केस में हो जाएगा कि उसका हम ये जो क्या है उस फ्रैक्शन को कैसे, ठीक है, ठीक चलिए, तो यहाँ पर मैं कहीं लेता हूँ, लेट से कि आपने यहाँ ले लो, ठीक है, कहाँ ले अपन, मैंने इसी का एग्जांपल लिया, सेंसेस को अलग ले लिया, मैंने बोला आया वो आया 1/4, दूसरा आया 3/4 या, और तीसरा आया मेरा 1/2 मान लो, ठीक है। अब इन शब्दों के तो क्या आ जाएगा 4, और उसके बाद दूसरे वाले का रेसिप्रोकल 4/3 और फिर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसमें सबसे लोवेस्ट क्या है, 2 है, तो उसको रिड्यूस करना, मतलब आपको ये 3 हटा है, तो कैसे हटा पाओगे आप, क्या करो 3 से इंटू कर दो और इसमें भी इंटू कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4, 3 जा 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका 6, ठीक है। आपको ये कुछ नंबर्स में दिख रहा है, तो आप इस पूरे को ही 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 6 और 3 आ जाएगा, समझे। तो अल्टीमेटली इसमें मिनिमम में करना, मिनिमम क्या था 2 था, तो 2 आ गया ना, ठीक है। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ, क्रिस्टल के जो मिलर इंडाइसेस हिट करते हैं, ठीक है। इज देयर एनी कन्फ्यूजन, ठीक है, किसी को कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इंटरसेप्ट, सुन सकते हैं, जैसे 1 -1/1, तो इसके मैंने रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 -1/-2 और 1, ठीक है, रूटेड बाय 1, 2 बार, मतलब ये जो -2 था इसको मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, मैं जब वापस उसी डायग्राम पर जाता हूँ, क्या किया कि डायग्राम इसी में उल्टी तरफ चला, मतलब रेफरेंस जो है यहाँ पर ना मानते हुए आ मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यदि यहाँ पर आपने मान लिया, तो लेट्स से का एक नया क्यूब यहाँ पर ऐसे लेंगे, ठीक है ना, तो चलो मैं माउस से क्रिएट करता हूँ, ये माउस मेरी जो ड्राइंग है बढ़ गया। अब मैं समझो, तो मैं इस कर रहा हूँ, तो इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से मैं अगेन साइड जा रहा हूँ, तो इसके पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूँ तो क्या हो जाएंगे, वो एक्सिस पर वापस जा रहा हूँ, तो 0-, और यदि मैं मतलब इसके उल्टी तरफ पीछे की तरफ यहाँ से इधर की तरफ जा रहा हूँ, तो यदि इधर की तरफ मेरे पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1-1, 0 और, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर पॉजिटिव आ रहा था, यदि मैं नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा, तो लेट्स से यहाँ की बात करें तो क्या आएगा 0-, तो ये इसके इंटरसेप्ट हो गए। अब इंटरसेप्ट, तो आप इसका क्या करना चाहते हो, मतलब प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और जो हम मिलर इसके निकालते हैं प्लेन के निकालते हैं, समझ गए। तो इसी तरह से यदि आपके निकाल लिया आपने, तो इंटरसेप्ट निकालने के बाद उसका और रेसिप्रोकल करने के बाद उसका फ्रैक्शन हट जाएगा, मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन मिल जाएगा, ये यहाँ पर इसने शो किया है ना, फैमिली ऑफ प्लेन। अब फैमिली ऑफ प्लेन एक जैसे प्लेन, या आप बोल सकते हो कि ऐसे मिलर इंडाइसेस सबका इक्विवेलेंट है, सबको आपने क्या कर दिया, एक बना दिया, बन गया फैमिली ऑफ प्लेन बन गया। जैसे यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल लिया है कि इंडाइसेस आर इक्विवेलेंट, तो उसके सबके इंडाइसेस क्या होंगे, सिमिलर
और इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना, होंगे तो उस प्लेन उन सारे प्लेन्स को करते हैं तो क्या बन जाएगा, फैमिली ऑफ प्लेन बन जाएगा। फेसेस ऑफ द क्यूब 010001 फॉर्म द फैमिली ऑफ प्लेन एंड इज डिनोटेड 0 फैमिली ऑफ द प्लेन। अब एक हमेशा जब भी आप क्या लिखोगे मिलर इंडाइसेस तो इन सबके भी कॉमा नहीं आएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। और आप हमेशा इस ब्रैकेट का यूज करेंगे जब भी आप प्लेन, यदि आपने इस तरह के यदि इस तरह की कुछ वैल्यू आपने नहीं शे क्या है मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन कॉमा कभी भी यूज नहीं करें बात को। और ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो इट डिनोट ऑफ प्लेन, ठीक है। अब एक फैमिली ऑफ प्लेन 100 में कितने प्लेन, इंक्लूड ऑल द 100 प्लेन कॉडिंग नेगेटिव इंडाइसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिख रहे हैं इसके अलावा और तीन कौन से होंगे, एक होगा मेरा माइनस जीरो मतलब वन बार बोलना चाहिए वरना बोलते हुए वन बार जीरो मतलब जो इधर की तरफ प्लेन आया था उसका उल्टी की तरफ वन बार जीरो जीरो प्लेन के इधर बार जीरो जीरो प्लेन की यदि मैं बात करूं एग्जांपल देखें एक सेकंड तो तरफ मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया था ना डायरेक्शन मतलब इसके बैक साइड, ठीक है, होगा फैमिली ऑफ प्लेन होगा, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे ये समझ लेते हैं, वन बार जीरो जीरो इसी तरह से जीरो वन बार उसी तरह से अगला जो मिलर इंडाइसेस क्या होंगे मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन क्या जीरो जीरो वन, समझ गए क्लियर है, विच इंक्लूड द 10 ड्यूरिंग द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में क्या है प्लेन्स का इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है। तो देखो ये है मेरा एक, ठीक है, तो ओरिजिन फ्रॉम द ब्लू एंड रेड कलर ऑफ, ठीक है, अब समझ लो। तो यहाँ पिन तो आपको समझ में आ ही गया था कि किसी का एग्जाम्पल, यहाँ पर ये वाला प्लेन मैंने अभी होमवर्क दिया आपको, तो क्या हो जाएंगे जीरो वन जीरो की बात कर रहा हूँ तो इसके इंडाइसेस क्या हो जाएंगे जीरो। देखो अब एक प्लेन मेरा 100 था ना, अब इससे फैमिली ऑफ प्लेन का बताऊं कि फैमिली ऑफ प्लेन का मतलब क्या हुआ, ठीक। तो आप समझ लो कि ये प्लेन जुड़ा हुआ कौन सा प्लेन था, ये वाला प्लेन था, ठीक है। तो ये तीनों प्लेन, अब इन तीनों प्लेन्स के बिल्कुल अपोजिट मतलब कौन सा वाले, इसके उधर एक साइड की तरफ, ठीक है, वो वाला मतलब ये यदि ये वाला प्लेन था तो ये वाला प्लेन था तो इसके अपोजिट तरफ होता है फैमिली ऑफ प्लेन, मतलब इस पूरे का प्लेन ही बनाऊं तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे 100 ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा इसका, इसी तरह से यदि ये मेरा प्लेन, ये प्लेन इसकी बात कर रहा हूँ तो ये वाला एसेस ऑफ द प्लेन क्या होंगे 100 से इसकी बात करूँ तो 100 सॉरी, तो इनकी यदि मैं बात कर रहा हूँ तो इनके फैमिली ऑफ प्लेन बन जाएगा, क्लियर है, चीज समझ लो। ये जो लास्ट वाला एग्जाम, ठीक है, देखो यदि मैंने क्या किया, ठीक है, तो ओरिजिन से मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ मतलब फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो मैं एक्स डायरेक्शन में भी वन जा रहा हूँ वाई जा रहा हूँ जेड डायरेक्शन में भी वन जा रहा हूँ, इसलिए ना 111, ठीक है। ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया वहां से उठाकर यहाँ, मतलब ये मेरा अब ओरिजिन यहाँ से उठ के कहा, ठीक है। तो अब जब मैं नीचे की तरफ मुझे जाना पड़ेगा मतलब एक्स डायरेक्शन में आपका क्या कर रहे हो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में इस बनेगा मतलब इंडाइसेस बनेगा वो क्या बनेगा माइनस, फिर y भी y कितना है v1 है और z भी 1 है तो उस माइनस वन का उल्टा भी करेंगे तो माइनस वन, फिर हम उसका प्लेन बनाएंगे मतलब मिरर इंडाइसेस हो जाएगा वो माइनस वन वन माइनस हटा के क्या बन जाएगा वो 1। अब मैंने इस ओरिजिन को हटा के यहाँ से यहाँ रख दिया, ठीक है। तो देखो अब कौन सा y एक्सिस पर मतलब y मेरा नहीं, y में मैं उल्टी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना, इस डायरेक्शन, लेकिन x में अभी भी फॉरवर्ड ही जा रहा हूँ मैं, अभी भी मैं फॉरवर्ड ही जा रहा हूँ, क्लियर। मेरे पास 1 1 बार आएगा इसका मिरर इंडाइसेस ऑफ प्लेन से होगा क्या होगा, तो ये सारे प्लेन्स के मिलर इंडाइसेस, वो सारे मिलर इंडाइसेस को कैलकुलेट करना कि कैसे आ रहे हैं इन सारे प्लेन के मिलर इंडाइसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हेक्सागोन सिस्टम, यदि आपका अभी तक तम की बात की तो बड़ा इजी था लेकिन एक और कोऑर्डिनेट जुड़ जाता है, कौन सा कोऑर्डिनेट, तो ये तो हेक्सागोन है आपको समझ में आता है इशू नहीं है, ये जो मेरा नीचे ये वाला इस एटम को मैं क्या कर रहा हूं? मान रहा हूं, ठीक है ना, ये मेरा ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं वाई डायरेक्शन इट इज Z डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन हियर द नेक्स्ट टर्म इज, ठीक है, मतलब ये जो रेड वाला है या क्लियर है। तो जब भी आपको मिलर इंडाइसेस निकालना हो तो कैसे समझते हैं, ठीक है, तो इन द क्यूबिक सिस्टम क्यूब आर इक्विवेलेंट देन दे आर हैव अ लेकिन इट इज ऑफ द हेक्सागोनल सिस्टम, क्योंकि वहां पर क्या होता है प्रिज्म बनते हैं 6 प्रिज्म फेसेस। एग्जांपल यदि आप इसका एग्जांपल ने अभी यहां पर शो किया हुआ है तो मिलर इंडाइसेस बनेंगे और कौन-कौन से, ठीक है, देखो समझो कौन में, देखो आप समझते जाओ तो ये आप, ठीक है, इस ओरिजिन से अब A1 डायरेक्शन में जाओगे तो क्या आएगा यहाँ का 0, ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा 010, इसी तरह से आप यदि
इस इधर की तरफ जाते हो तो जेड में इस थर्ड वाला डायरेक्शन इसको ले रहा हूँ और इसको फोर्थ वाला डायरेक्शन, तो इस केस में आप अपोजिट जा रहे हो। केस में यदि आप अपोजिट जा रहे हो तो उसको क्या बोलोगे आप, क्या हो जाएगा आपका दूसरा, लेकिन वो ए थ्री क्या आ रहा है, वन, एक सेकेंड, वन जीरो जीरो नहीं होगा, वो जीरो माइनस वन, ठीक है। इसी तरह से सी की बात कर, कि केस में क्या हो जाएगा, वो सी यदि जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा कि मैं केवल पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसने प्लेन के बताया, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जगह जीरो जीरो वन, ठीक है, ले रहा हूँ, ठीक है। अब समझ यहाँ पर ये वन जीरो जीरो कौन सा प्लेन हो गया, जीरो जो प्लेन है वो आपका कौन सा, एक सेकेंड इसको रब कर दूं, एक सेकेंड, वन जीरो जीरो कौन सा प्लेन होगा बेटा, तो प्लेन जो है ये पीछे की तरफ वाला, ठीक है, जो प्लेन है ये मेरा जीरो जीरो होगा, लेकिन मैं इस वाले प्लेन की बात, ये क्या हो गया मेरा वन बार वन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस अपोजिट साइड जाना पड़ रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द फोर्थ एक्सिस अपोजिट टू द वेक्टर सम ऑफ ए वन, मतलब जिसका क्या है वो उल्टा है, एंड एट फॉर करस्पॉन्डिंग फोर्थ एंगल is used to HKL, axis of the plane is given by HKIL. तो जब भी आपको क्या करना होगा, फोर्थ होगा, मतलब hexagon के केस में कितने बनेंगे आपके indices, K, I और अच्छा, तो यहाँ पर मेरे लिए जो नया है वो, ठीक है, तो I को कैसे निकालूंगा, तो minus of H plus K, तो जो भी और K होंगे उसमें से क्या उसको आगे प्लस करके दोनों के आगे लगा दो माइनस, टाइम्स I is replaced by the return by this, मतलब यदि वो कुछ नहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चलिए उससे आपको समझ में आएगा, है ना। एग्जांपल है द इंडाइसेस ऑफ द सिक्स प्लेन बिकम्स से होंगे, तो देखो यहाँ पर केवल क्यूबिक सिस्टम ले रहा था तो ऊपर वाला था, लेकिन की वजह वो हेक्सागन सिस्टम है तो क्या होगा, क्या होंगे बेटा देखो समझो, तो द इंडाइसेस ऑफ सिक्स स्पेसेस नाउ 0 1 1 बार, आप समझ लो कि कौन को 1 1 बार 0, ये कैसे, मैं इस फेस की बात करूं तो एक्स एक्सिस कुछ है नहीं, मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट है, 1/∞ 0 हो गया, 1/1 1 हो गया। तीसरा इंटरसेप्ट क्या है मेरा, इंटरसेप्ट क्या है मेरा आई, जो माइनस ऑफ प्लस के होता है, ठीक है ना, तो एच प्लस के क्या, अब समझो तो माइनस ऑफ एच क्या, देखो तो माइनस जीरो तो कितना आ गया, 1 आ गया, कौन सा आएगा माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 1 एंड 0, ये समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये पूरा ही, यदि हेक्सागन में आपको मिल रहे इंडाइसेस प्लेन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल फॉर दिस प्लेन, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की बात करें, कुछ है कि नहीं है, कि है या नहीं है तो समझ लो, एक सेकेंड रहा है, यदि मेरा ओरिजिन और ये प्लेन शायद थर्ड वाले प्लेन के लिए निकाले हैं इसने, ठीक है ना, प्लेन के लिए वाई एक्सिस में आपको इसके अपोजिट, तो इसलिए क्या आ गया माइनस वन, और वाई एक्सिस एज यूजुअल है मेरा ये वन आ गया, और जेड वो मेरे क्या है जीरो है, यदि जीरो है तो आप इसको डॉट से भी शो कर सकते हैं। इसी तरह से 1/0 1 0 हो गया, 1/0 हो गया, इसी तरह से 1 1 0 गया, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन अपना ये लेक्चर को, ठीक है, कल अपन एक मिनट, मैं इस कर दूं 2 सेकंड रिकॉर्डिंग को फिर